Good morning, Carrots. This is the first story of your supplementary reader, A Pact with the Sun. And the title of this story is A Tale of Two Birds. Supplementary reader contains a number of stories. And it is Non detailed textbook for the class sixth. The title of this story is A Tale of Two Birds. It is quite clear from the title that it is a story of two birds. What does tale mean? Tale means story. टेल का मतलब क्या है टेल का मतलब है कहानी ये जो कहानी है वो दो पक्षी की कहानी है दो पंछी की कहानी है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। यहां पे एक मदर बर्ड है और उसके दो छोटे So, there is a mother bird, and there are two nestlings. There are two young babies of this bird. So, at the beginning, we have a summary of the first part. What has happened to this mother bird? The mother was killed. The mother bird was killed in a storm. तूफान आ गया और उसमें मादा पक्षी जो था ना वो मर गया यंग बर्ड्स वे सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर उसके बाद क्या हो गया यंग बर्ड्स को दे सेपरेटेड इच फाउंड डिफरेंट होम दोनों अलग अलग जगह पे गए और उनका जो घर है वो अलग अलग जगह पे हो गए सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स There वंस lived अ बर्ड एंड अ टू न्यू babies बेबीज इन अ फॉरेस्ट फॉरेस्ट का मतलब जंगल काडू देर वंस लिव अ बर्ड बर्ड पक्षी दे वॉज अ बर्ड सो वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ बर्ड जो हम कहानी सुनते हैं ना उसी तरह ये कहानी की बिगिनिंग है देर वंस लिव अ बर्ड अ बर्ड लिव देर कहाँ पे सो इट वॉज देर इन द फॉरेस्ट जंगल मेधा टू न्यू बॉर्न बेबीज न्यू बॉर्न बेबीज जस्ट बॉर्न बेबीज तो बेबी बर्ड्स थे नेस्टलिंग्स थे कितने थे हम न्यू वे देर टू वे देर वे डिड दे लिव दे लिव इन द फॉरेस्ट कहा जंगल में कार्ड दली बर्ड हक्की mari marigalu. and where did they live they lived in the forest they had a nest they had a nest nest ka by gonsla in a tall shady tree the tree was quite tall it was shady tree there was shade chayati और एक छायादार पेड़ ट्री पेड़ बहुत ऊंचा छायादार पेड़ वही उसका घोंसला था दे द मदर बर्ड टू केयर ऑफ ऑफर लिटिल वंस डे एंड नाइट आपकी मां आपका ख्याल रखती है सो सिमिलर वे मदर बर्ड टू केयर लुकड़ आफ्टर टेक केयर वो फ्रेज है टेक केयर इसका मतलब है लुक आफ्टर सो हु वॉज टेकिंग केयर मदर बर्ड वाज़ टेकिंग केयर ऑफ इट्स यंग वंस ऑफ इट्स न्यू बेबीज ऑफ इट्स नेस्लिंग्स एंड शी वाज़ टेकिंग केयर डे एंड नाइट दिन रात उनका ख्याल कर दी थी मदर बर्ड अपने जो छोटे छोटे जो बर्थस उनका ख्याल करती थी एक दिन क्या हो गया वन डे वॉट है दे वॉज अ बिग स्टॉन्ग इट वॉज अ बिग स्टॉन्ग तूफान आ गया थंडर जब रेनिंग हो जाता है तभी क्या होता है आकाश में आप सुनते हैं ना कड़कड़ाहट Thundering lightning, bijli and rain or barish. So there was thundering, there was lightning, there was it was raining. kyungit, Tufana. It was because of storm. The wind blew down many trees. इसी विंड के वास्ते, इसी हवा के वास्ते क्या हो गया मेनी ट्रीज फेल डाउन विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग एंड many ट्रीज फेल डाउन द टॉल ट्री इन विच द birds लिव ऑल्सो केम डाउन जहां पे ये बर्ड्स थे या यंग वंस थे वो भी पेड़ गिर गया A hay, big heavy branch hit the nest. Bhout bada branch, shaka. It has hit the nest. Goslanko hit kia. And what happened? As a result of that, mother bird died. And mother bird was killed. Fortunately for the baby birds, it was their luck. They were quite lucky. The strong wind blew them away to the other side of the forest. It took them away to the other side of the forest. Forest ke uspar, other side of the forest. It took them away. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. A robbers chore. जहां पे चोर थे वो कहां ठहर रहे थे वो केव में ठहर रहे थे गुंफा में ठहर रहे थे एक जो यंग बर्ड जो है ना यंग वन नेस्लिंग वो कहां गिर गया जहां पे रॉबर्स थे द ऑदर लैंडेड आउटसाइडर ऋषि अ लिटल डिस्टेंस अवे और कुछ डिस्टेंस अवे उसी जगह से कुछ दूरी पर क्या था आश्रम था ऋषि का आश्रम था वहीं पे और एक जो बर्ड है वो गिर गए दोनों पक्षी अलग अलग हो गए अलग अलग जगह पे गिर गए अलग अलग जगह पे रहने लगे एक चोर का जो गुंफा है उसी के नजदीक गिर गया औरज जो पक्षी है वो कहाँ गिर गए ऋषि के आश्रम के पास गिर गए डेज पास्ट कुछ दिन निकल गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स सो दीज बेबी बर्ड्स दे बिकेम बिग बर्ड्स वन डे किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट वहां पे कौन आया राजा आ गया द किंग ऑफ द कंट्री एक देश का राजा कहाँ आया जंगल में आया किसके लिए हंटिंग के लिए शिकार के लिए बेटे आंद सरी वंद राजा ऐली बंदा जंगल के बंदा ही सो अ डियर उसने क्या देखा डियर को देखा जिनके के नोडा, and he chased, he rode after it, he chased it, he started running after that deer. उस हिरन के पीछे लगा, it ran deep into the forest, followed by the king. और ये हिरन कहाँ गया? it went deep into the forest, जंगल में चला गया, so the king was following it. soon the king lost his way. द किंग लॉस्ट इज वे अपना जो रहा है वो भटक गया एंड डिडन ही समझ में नहीं आया वो कहा है लॉन्ग टाइम केम टू दाइड ऑफ द फॉरेस्ट सो ही वेंट आउट राइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही ऑल्सो केम टू दर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के पार वो आ गया जंगल क्रॉस करके वो बाहर आ गया वेरी टायड बाय नाव बहुत ही थक गया था ए गॉड ऑफ इज हॉस हॉस से उतर कर वो एक पेड़ के नीचे बैठा है ट्री दैट टू नियर अ केव सो वे वॉज दैट ट्री दैट वॉज द ट्री विच वॉज नियर द केव सडनली हर्ड अ वॉइस क्राईट सडनली वॉट ही हर्ड ही हर्ट कोई आवाज उसने सुन क्विक हरी आप जल्दी करो दिस सम अंडर द ट्री कोई तो है पेड़ के नीचे बैठा है कम आओ टेक जुएल्स उसके पास जो रत्न है वो ले लो उसका घोड़ा भी है वो भी ले लो हरी और जल्दी करो नहीं तो निकल जाएगा भाग जाएगा द किंग वॉज अमेज वो आश्चर्यचकित हो गया ही वॉज सरप्राइज उसको बहुत आश्चर्य हो गया लुकड़प मेल नोट दा ही लुकड़प ऊपर देखा और क्या देखा उसने ही सॉ अग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडी उसने क्या देखा एक पंछी देखा एक पक्षी देखा वो पेड़ पर पे बैठा था ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस कुछ आवाज भी उसने सुना और ये आवाज कहाँ से आ रही थी और इट वॉज अ फेंट नॉइज इट वॉज मचा रहा था थोड़ा आवाज आ रहा था और एक गुम्फा से आवाज आ रहा था क्योंकि वहां गुम्फा से चोर आ रहे थे उस राजा को लगा कि डाकू लोग आ जाएंगे इसी के लिए उसको वहां से भागना पड़ा एक क्विकली गो डाउन टू इज हॉस कुदरी माले कूदकोंडा ही क्विकली गो ऑन टू हिज हॉस रोड अवे एज फास्ट एज ही वेंट ऑन राइडिंग वेरी फास्ट सो दट ही कूड एस्केप फ्रॉम द गैंग ऑफ रॉबर्स और डाकू लोगों से दूर जाने के लिए और लुटेरों से दूर जाने के लिए उसने क्या किया घोड़े पर सवार होकर वो चला Now, let us see some of the important words of this story. Bird. Bird ka matlab kya? Pakshi. This you can write in your own language. But you must know all these words. It's all simple words, but you must know. बर्ड ऐसी कन्न हकी एंड दिस द स्टोरी ऑफ टू बर्थ टू बर्थ स्टोरी जिसको हम हिंदी में कहानी बोलते कथे टेल स्टोरी कथे कहानी कथे इन कन्नड़ा, nest कन्नड़ दले इन हर्तारे नेस्ट के गूडू सो घोंसलम नेस्ट सो अ बर्ड हैज अ नेस्ट एंड व्हाट आर व्हाट इज देर इन द नेस्ट यंग नेस्टलिंग्स आदे यंग वन्स आर देयर बेबी बर्ड्स आर देयर सो दिस अ मदर बर्ड एंड देर आर टू बेबी बर्ड्स वेर आर देर वेर आर दिस बेबी बर्ड्स दे आर देर इन द ने वेर इज दिस ने दिस ने ट्री मरा मेले मरा ट्री मीस वॉट मरा पेड़ हिंदी में हमें हम उसको पेड़ बोले और ये नेस्ट कहा है वो ब्रांच पे है ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रांच Shakha, branch of the tree, what is there? Nest is there. Nest of the bird. In that nest, young birds are there. Now, this tree was very tall. This tree was very tall. And opposite of tall is short. Opposite of tall is short. So the bird had built a nest in that nest what were there young ones were there and this nest was on the branch of the tree which was quite tall and this tree was in the forest where was this tree this tree was in the forest forest ka matlab jungle mother bird was there and mother bird was taking care इट वॉज लुकिंग आफ्टर इंग वेक केयर का मतलब है देखभाल करना सो इट वॉज लुकिंग आफ्टर टेकिंग केयर मदर टेक्स केयर ऑफ यू एंड सडनली विंड ब्ल्यू ब्लो पास ऑफ ब्लो इज ब्ल्यू विंड वॉज ब्लोइंग दे वॉज अ स्टॉन्ग तूफान था हवा बह रही थी विंड वॉज ब्लोइंग Burn up, blow, and suddenly what has fallen? Tree has fallen. What has fallen? Tree has fallen. And what is past tense form of fall? Fail. Fall, fail. Girna. Storm. There was a storm. When there was a storm, what what was there? What was happening? There was thundering. Up sound, sound, thundering. Jabadal. एक दूसरे को भिड़ते हैं जब घर्षण हो जाता है तभी वॉट विल बी देर बी थंडरिंग जो साउंड आ जाता है ना उसको थंडरिंग बोलते हैं कड़कड़ाहट बादल का दैट इज इज थंडरिंग उसके बाद बिजली गिरती है लाइटनिंग रेन इट वॉज रेनिंग जब स्टॉन्ग हो जाता है तभी रेनिंग हो जाता है लाइटनिंग हो जाता है थंडरिंग ऑपोजिट वर्ड ऑफ बिग इज स्मॉल yes what is opposite word what a big small so what was very big that tree was quite big and opposite word of heavy is light so strong wind was blowing and opposite of strong is weak strong taqatwar strong weak durbal a robbers kaha cave me the were the robbers the robbers way there इन द केव दिवस वे देर इन दिंग राजा था और एक देश का राजा था कंट्री देश का राजा था वो क्यों आया था फॉरेस्ट में हंटी के लिए आया था शिकार के लिए आया था बेटे बंदीदा एंड हंटिंग ऑफ वॉट डियर सो ही वॉज चेजिंग द डियर सॉ डियर एंड ही स्टार्ट चेजिंग दी डियर And then after that, what happened? He lost his way. And present his form of lost is lose. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Now, no, Janana. No means what? Janana. And what was. And suddenly he came no Yes. When he came no

सवार जब हॉस पे घोड़े पे तुम सवार हो जाते हो राइडिंग बहुत थक गया था वॉज टायर्ड द किंग वॉज वेरी मच टायर्ड थक गया था गेट सो गॉड ऑफ द हॉर्स गेट पास इज गॉट ही गॉड ऑफ द हॉर्स एंड लेट्स मॉन्ट टू द नेक्स्ट वन सीट and past tense of sit is sat stand past tense of stand is stood stand up sit down no you must have heard this stand up sit and opposite word of sit is stand here and what is the past tense form of here sunna here heard under niche कम गो वी यूज दैट नो कम गो आना जाना कम गो टेक एंड व्हाट इज पर्सेंस ऑफ टेक टुक जुएल्स रत्न और वो कौन बोल रहे हैं उसके पास जुवेल्स है वो ले लो हाँ, भाग जाएगा हरिया कौन बोल रहा है? वो पक्षी बोल रहा है. किसको देखे राजा को देखे

and what is past tense of look looked past of see saw see saw look looked up opposite words up down fast slow opposite words fast slow quickly jald se quickly away दूर जाना अवे हुट अवे क्विकली द किंग सेट ऑन द हॉस एंड इमिडियटलीफ्ट दैट प्लेस क्यों क्योंकि वो बोर्ड बर्ड बोल रहा था ना वो पक्षी क्या बोल रहा था वो पक्षी बोल रहा था यस yes, यहां पर कोई आ गया है अभी हारी आप नहीं तो निकल जाएगा सो द बर्ड वॉज कॉलिंग समबाडी एंड द किंग केम टू नो दैट द बर्ड वॉज कॉलिंग होम द रॉबर्स एंड देव काम दे हिम और इसी के वास्ते राजा वहां से चला बसा और शायद उसको लग रहा था कि वो डॉकों को बुला रहा था जिक्र उसने राजा के पास जो रत्न है वो देखा होगा और उसी रत्न को देख के वो बोल रहा था राजा के पास जो रत्न है जो घोड़ा है वो छीन लो और जब वो बोल रहा था वो सुन के राजा आश्चर्यचकित हो गया वो भयभीत भी हो गया और यहां से वहां से निकल गया सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी विल सी इन द सेकेंड पार्ट